फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल नीटिंग कोर्स। फ्रेंड्स, आज मैं स्पेशल लेडीज कार्डिगन और लेडीज हाफ जैकेट के लिए एक बहुत ही सुंदर डिजाइन लेकर आई हूं। आज मैं आपको डिजाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये डिजाइन देखने में जितना सुंदर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको 8 के मल्टीपल फंदे लेकर 2 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे, तो ये डिजाइन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 8 के मल्टीपल देखिए, 8 फंदे गिन लीजिए, फिर से 8, फिर से 8, इस तरह से करते हुए लास्ट में आपके 2 फंदे होने चाहिए। ये डिजाइन सीधी साइड से शुरू होता है और 22 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिए हैं मैंने 18 फंदे, 8 दुनी 16 और 2 फंदे एक्स्ट्रा। फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से इसमें मैंने उल्टी बनाई है। डिजाइन की ये पहली सिलाई है, तो ध्यान दीजिए, देखिए एक और ये 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे और 6 फंदे सीधे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, धागा अपनी तरफ और 2 फंदे उल्टे। फिर धागा पीछे कीजिए और देखिए यहाँ से ये जो केबल डिजाइन है ये बनेगा। आगे की साइड से सिलाई डाल के 2 फंदे का 1 फंदा कीजिए, धागा अपनी तरफ ले आइए, फिर आगे से सिलाई डाल के 2 का 1 कर दीजिए, फिर धागा अपनी तरफ कीजिए और आगे से सिलाई डाल के ये 2 फंदे का आप 1 कर दीजिए, धागा अपनी तरफ और लपेट कर एक जाली बना दीजिए। तो ये देखिए 6 से वापस 6 फंदे हैं और लास्ट के 2 फंदे उल्टे। आपके जितने भी फंदे हों इस डिजाइन को आप ऐसे ही रिपीट कीजिए। इसके बाद ये 6 वाले सीधे आ जाएंगे, फिर 2 उल्टे, फिर ये डिजाइन आ जाएगा। ऐसे ही इसको रिपीट करना है। अब आ जाइए इसकी उल्टी साइड पर, जहां पर ये देखिए ये 2 फंदे उल्टे हैं तो यहाँ ये सीधे बनेंगे, यहाँ ये सीधे हैं तो यहाँ उल्टे बनेंगे। तो पहले 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2, धागा अपनी तरफ और 6 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, धागा पीछे और 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2, धागा अपनी तरफ और 6 उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, धागा पीछे और लास्ट के 2 फंदे सीधे। 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। तीसरी सिलाई सीधी साइड पर देखिए, 2 फंदे उल्टे, 1 और ये 2, धागा पीछे और 6 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, फिर धागा अपनी तरफ और 2 फंदे उल्टे, 1 और ये 2, धागा पीछे कीजिए और ये देखिए ये एक फंदा सीधा, ये जाली और ये फंदा, आगे से सिलाई डाल के इन 2 का 1 कर दीजिए, धागा अपनी तरफ, ये जाली और ये फंदा, आगे से सिलाई डाल के 2 का 1 कर दीजिए, फिर धागा अपनी तरफ और ये जो लास्ट का जाली वाला फंदा है इसे सीधा बनाएंगे, तो ये हमारे यहाँ वापस 6 फंदे हैं, धागा अपनी तरफ और ये 2 फंदे उल्टे। 3 सिलाई कंप्लीट हो चुकी हैं। चौथी सिलाई उल्टी साइड पर, जो फंदे सीधे हैं उनको सीधा बना लीजिए और जो फंदे उल्टे हैं उनको उल्टा बना दीजिए। 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। 5वीं सिलाई है और सीधी साइड है, तो ध्यान दीजिए, पहले 2 फंदे उल्टे, 1 और ये 2, धागा पीछे करेंगे और ये जो 6 फंदे हैं इन्हें ट्विस्ट करेंगे, ये 3 छोड़ के पीछे की साइड से इन 3 फंदे में ऐसे सिलाई डाल लीजिए और ये वाले जो 3 फंदे हैं इनको उतार के यहाँ पर ले आइए और इनको आगे डाल दीजिए। अब ये 6 फंदे सीधे देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, धागा अपनी तरफ कीजिए और 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे कीजिए, देखिए ये वाले जो 2 फंदे हैं इनमें आगे की साइड से सिलाई डाल के 2 का 1 कर दीजिए, फिर धागे को अपनी तरफ ले आइए और आगे से सिलाई डाल के 2 का 1, फिर धागा अपनी तरफ, आगे से सिलाई डाल के 2 का 1 कर दीजिए, धागा अपनी तरफ करके लपेट के एक जाली डाल दीजिए और 2 फंदे उल्टे। 5वीं सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। 6ठी सिलाई उल्टी साइड से, जो फंदे सीधे हैं उनको सीधा बनाइए और जो 6 फंदे उल्टे हैं उनको उल्टा बनाइए। 7वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 7वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिए, ये देखिए 1 और ये 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे कीजिए और ये देखिए ये वाले जो 2 फंदे हैं इनमें आगे से ऐसे सिलाई डाल दीजिए और 2 का 1 कर दीजिए,
धागा अपनी तरफ करके फिर से दो फंदे का एक करेंगे, तो यहाँ बीच में जाली आ गई है। फिर धागा अपनी तरफ आगे की साइड से दो फंदे में सिलाई डाल के दो का एक कर देंगे। अब धागा अपनी तरफ और लपेट कर एक जाली डाल देंगे और दो फंदे ये उल्टे। फिर धागा पीछे करेंगे और यहाँ पर देखिए ये एक फंदा ये सीधा और ये वाले जाली और ये फंदा आगे से सिलाई डाल के दो का एक कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ आगे से सिलाई डाल के दो का एक करेंगे। फिर धागा अपनी तरफ और ये जाली वाला फंदा सीधा, तो यहाँ पर छः से वापस छः फंदे हो गए हैं। धागा अपनी तरफ करके ये दो फंदे उल्टे, सात सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। आठवीं सिलाई उल्टी साइड से, इसमें दो सीधे छः उल्टे, दो सीधे छः उल्टे, आठ सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। नौवीं सिलाई है और सीधी साइड है। नौवीं साइड की सिलाई देखिए, ये जो हमारी नौवीं सिलाई है कैसे बनेगी ध्यान से देख लीजिए। ये दो फंदे उल्टे बनाइए, धागा पीछे, इस फंदे को सीधा बनाइए, ये जाली और ये फंदा आगे से सिलाई डाल के इन दो का एक कर दीजिए। फिर धागा अपनी तरफ आगे की साइड से सिलाई डाल के दो का एक कीजिए। फिर धागा अपनी तरफ और ये जाली वाला फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ और ये दो फंदे उल्टे, धागा पीछे कीजिए और ये देखिए ये वाले जो दो फंदे हैं इन दो का एक कर दीजिए। धागा अपनी तरफ, ये जाली और ये फंदा आगे से सिलाई डाल के इन दो का एक कीजिए। फिर धागा अपनी तरफ आगे से सिलाई डाल के दो का एक कर दीजिए। धागा अपनी तरफ और लपेट कर एक जाली डाल दीजिए और लास्ट के दो फंदे उल्टे। अब आ जाइए इसकी दसवीं सिलाई और उल्टी साइड पर, दो फंदे सीधे छह उल्टे दो सीधे, ऐसे करते हुए इसे कंप्लीट कीजिए। दस सिलाइयां कंप्लीट हो चुकी हैं। ग्यारहवीं सिलाई है और सीधी साइड है। ग्यारहवीं सिलाई को देखिए, ये दो फंदे उल्टे, एक और ये दो, धागा पीछे कर लीजिए, एक और ये दो, आगे से सिलाई डाल के इन दो का एक कीजिए। फिर धागा अपनी तरफ इसको करना है, ये देखिए ये दोनों जो फंदे हैं आगे से सिलाई डाल के इन दो का एक कीजिए। फिर धागा अपनी तरफ कीजिए और आगे से सिलाई डाल के दो का एक कर दीजिए। तो ये देखिए एक दो तीन चार और ये पांच, धागा अपनी तरफ और लपेट कर एक जाली बनाई तो छह फंदे हो गए और ये दो फंदे अब उल्टे। और ये जो हमारे छह फंदे हैं इनको अब हम ट्विस्ट करेंगे, तो इन तीन को छोड़ के पीछे की साइड से इन तीन फंदे में ऐसे सिलाई डाल लेंगे और ये तीन यहाँ से उतार कर यहाँ ले आएंगे और इनको हम यहाँ पर डाल देंगे। और ये छह फंदे अब सीधे, देखिए एक दो तीन चार पाँच और ये छह, धागा अपनी तरफ और ये दो फंदे उल्टे। अब आ जाइएगा इसकी उल्टी साइड की और बारहवीं सिलाई पर, इसमें फिर वही करना है, दो सीधे हैं और छह उल्टे हैं। बारह सिलाइयां कंप्लीट हो चुकी हैं। तेरहवीं सिलाई है और सीधी साइड है। तेरहवीं सिलाई को ध्यान से देखिए, ये दो फंदे उल्टे, एक और ये दो, धागा पीछे, ये एक फंदा सीधा, ये और ये आगे की साइड से सिलाई डाल के इन दो फंदे का एक कर दीजिए। फिर धागा अपनी तरफ कीजिए, आगे की साइड से सिलाई डाल के इन दो का एक कर दीजिए। फिर धागा अपनी तरफ और ये जो जाली वाला फंदा है इसे सीधा बनाइए, धागा अपनी तरफ और ये दो फंदे उल्टे, धागा पीछे और अब ये छह फंदे सीधे, और लास्ट के जो दो फंदे हैं वो उल्टे बनेंगे। उल्टी साइड की जो सिलाई आएगी उस पर फिर से हमने वही करना है, दो फंदे सीधे छह फंदे उल्टे। चौदह सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आ जाइए इसकी पंद्रहवीं सिलाई और सीधी सिलाई पर। पंद्रहवीं सिलाई को देखिए, एक और ये दो फंदे उल्टे, धागा पीछे और ये देखिए ये और ये आगे से सिलाई डाल के इन दो फंदे का एक कर दीजिए। धागे को अपनी तरफ ले आइए, ये जाली और ये फंदा आगे से सिलाई डाल के इन दो का एक कर दीजिए। फिर धागा अपनी तरफ आगे की साइड से सिलाई डाल के दो का एक, तो ये देखिए एक दो तीन चार और ये पांच, धागा अपनी तरफ और लपेट कर जाली डाल देंगे तो छह फंदे हो गए। अब ये दो उल्टे, धागा पीछे और छह सीधे, एक दो तीन चार पाँच और ये छह, धागा अपनी तरफ और दो फंदे उल्टे। पंद्रह सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। सोलहवीं सिलाई उल्टी साइड से, दो सीधे छह उल्टे दो सीधे।
सत्तरवीं सिलाई है और सीधी साइड है। सत्तरवीं सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ये दो फंदे उल्टे, एक और ये दो, धागा पीछे कर लीजिए और देखिए इस वाले फंदे के जो हमने जैसे यहाँ पर इस केबल को ट्विस्ट किया था ऐसे ही अब हम इसे करेंगे। तो ये तीन फंदे छोड़ के हम पीछे की साइड से देखिए इस तरह से इन फंदे को लेंगे, इन तीन फंदे को उतार कर यहाँ पर ले आएंगे और ये तीन हम इसके आगे डाल देंगे और अब ये छह फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच और ये छह, धागा अपनी तरफ और ये दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करेंगे और छह फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच और ये छह, धागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे। अब आ जाइए इसकी उल्टी सिलाई पर और इसकी अट्ठारहवीं सिलाई पर, इस पर दो सीधे और छह उल्टे। सीधी साइड की सिलाई है और ये 19वीं सिलाई है, 19वीं सिलाई पर देखिए ये दो फंदे उल्टे बनेंगे, एक और ये दो, धागा पीछे और ये देखिए अब ये से यहाँ पर केवल थी ऐसे बनेगी, तो ये छह फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच और ये छह, धागा अपनी तरफ और ये दो फंदे उल्टे। 19वीं सिलाई पर ये वाले फंदे भी सीधे ही बनेंगे, एक दो तीन चार पाँच और ये छह, धागा अपनी तरफ करके ये दो फंदे उल्टे। 20वीं सिलाई है और उल्टी साइड है, दो सीधे छह उल्टे और दो सीधे। 20 सिलाइयां फ्रेंड्स इसकी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आ जाइए इसकी 21वीं सिलाई और सीधी साइड पर, 21वीं सिलाई को देखिए, एक दो और अब धागा पीछे करेंगे क्योंकि दो फंदे उल्टे हो गए हैं और ये छह फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच और ये छह, धागा अपनी तरफ और दो फंदे उल्टे। अब धागा पीछे करेंगे और इस केबल को यहाँ से ट्विस्ट करेंगे, ये तीन फंदे छोड़कर पीछे की साइड से ये तीन फंदे हम ऐसे लेंगे, इन तीन को हम ऐसे उतार लेंगे और यहाँ पर ले आएंगे और ये वाले जो तीन फंदे हैं अब इनको इनके आगे डाल देंगे और ये छह फंदे भी अब सीधे बनाएंगे, एक दो और ये तीन चार और ये पाँच छह, धागा अपनी तरफ और दो फंदे उल्टे। 21 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। 22वीं सिलाई उल्टी साइड से, दो सीधे छह उल्टे दो सीधे। इस तरह से फ्रेंड्स 22 सिलाइयों में डिजाइन ओवर हो जाता है। इन्हीं 22 सिलाइयों को आगे आगे रिपीट करते जाना है। अब ये वाले जो फंदे हैं ये सीधे बनेंगे और यहाँ पर यही वाली केबल शुरू हो जाएगी। इस केबल में ये देखिए यहाँ पर ये पाँच जाली बनती है, ये आप पहचान रखिएगा। तो इस तरह से जब आप ये सिलाइयाँ बनाएंगी तो ये डिजाइन आपका इस तरह से बनता चला जाएगा। तो मैं आपको इसकी एक बार फिर से इसको रिपीट करके दिखा रही हूँ ताकि आपको इसे प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ये 22 सिलाइयों का डिजाइन है। तो इसी तरह से समझ लीजिए, देखिए एक और ये दो, धागा पीछे कीजिए और छह फंदे सीधे बनाइए जैसे हमने यहाँ से बनाए थे। देखिए एक दो तीन चार पाँच और ये छह, फिर धागा अपनी तरफ और ये दो फंदे उल्टे, फिर धागे को पीछे कर लीजिए, ये देखिए एक और ये दो, आगे से सिलाई डाल के यहाँ दो का एक कर दीजिए, धागा अपनी तरफ, आगे से सिलाई डाल के दो का एक, तो देखिए जाली आ गई है, धागा अपनी तरफ, आगे से सिलाई डाल के दो का एक कर दीजिए, धागा अपनी तरफ लपेट कर एक जाली डाल दीजिए, तो देखिए एक दो तीन चार पाँच और ये छह फंदे हो गए और लास्ट के दो फंदे उल्टे। उल्टी सिलाई पर फिर वही करना है, दो सीधे छह उल्टे। इन्हीं 22 सिलाइयों को जब आप बार बार रिपीट करेंगे तो आपका ये इस तरह से सुंदर सा डिजाइन बनता चला जाएगा। फ्रेंड्स डिजाइन पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में से शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।